वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। व्हाट हैपेंड यस्टरडे वाज नॉट सडन, व्हाट हैपेंड यस्टरडे वाज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग इन विच स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड एंड वर्कड वेरी हार्ड। इवन व्हाट इज हैपनिंग टुडे is part of that planning, and what would happen in the remaining 8 days of June is part of that collaborative planning. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ठीक ही तो कह रहे हैं, दिन भर में 84 लाख वैक्सीन लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भले ही एक दिन में बना हो, मगर ये सिर्फ एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, इसके लिए प्लानिंग और एक्शन कई दिन से जारी था। तभी तो 21 जून को रिकॉर्ड बनाने वाले दिन वैक्सीन डोज की कमी न पड़े, इसके लिए कई दिन पहले ही बीजेपी शासित राज्यों में वैक्सीन मैनेजमेंट का काम शुरू हो गया था। कम से कम आंकड़े तो यही बताते हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और आज हम वैक्सीन के इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड और इस चक्कर में हुई हेरा फेरी पर रोशनी डाल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़ों की माने तो एक दिन में वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की खातिर कई दिनों तक बीजेपी शासित राज्यों ने अपनी जनता को औसत से कम वैक्सीन लगाई। कम से कम राज्यों द्वारा पेश किए गए वैक्सीनेशन के आंकड़े तो यही कहते हैं। 21 जून को सबसे ज्यादा 16,91,967 वैक्सीन लगाने वाले मध्य प्रदेश ने 18 जून को सिर्फ 15,000, 19 जून को 22,000 और 20 जून को महज 692 वैक्सीन की डोज लगाई थी। हैरानी की बात यह है कि 21 जून को करीब 17 लाख वैक्सीन लगाने वाले एमपी ने अगले दिन यानी 22 जून को सिर्फ 4,825 लोगों को वैक्सीन लगाई। इसी तरह 21 जून को 11,21,648 वैक्सीन डोज लगाने वाले कर्नाटक ने 18 जून को 1,92,245, 19 जून को 2,66,071 और 20 जून को सिर्फ 68,172 वैक्सीन के डोज लगाए। रिकॉर्ड बना लेने के अगले दिन कर्नाटक में महज 3,92,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, यानी करीब 65% कम। इस मामले में सिर्फ यूपी की स्थिति बेहतर रही, जिसने 21 जून को 7,25,898 लोगों का वैक्सीनेशन किया, तो वहीं अगले दिन 22 जून को 7,96,458 लोगों को वैक्सीन दी। हालांकि 21 जून से पहले के 3 दिनों में यहां भी कम वैक्सीनेशन हुआ। आंकड़ों की ये बाजीगरी गुजरात और हरियाणा के वैक्सीनेशन में भी देखने को मिली। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 21 जून को 84 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने वाले मुल्क ने 22 जून को सिर्फ 53 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया, यानी करीब 31 लाख कम। फिर भी सरकार कहती है कि वैक्सीनेशन मुहिम की रफ्तार ना कम हुई है और ना ही होने देंगे। That from 1st June to 21st of June, the average per day vaccination has been 34,62,841. So a jump from 34 lakhs to 88 lakhs when vaccines are available and when capacity is available is possible. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी यही कह रहा है कि एक दिन की मुहिम तो अच्छी बात है, मगर नतीजा तभी निकलेगा जब हर नागरिक का वैक्सीनेशन हो जाने तक यही तेजी दिखाई जाए। We have to diligently do this task. We have to make sure that this task is done. The government has to do that. And it has to make this process work not just on one day, but every day until we have vaccinated our whole population. I think the idea of a mission, a COVID vaccination mission, is a good one where we involve the country and say, okay, as a nation, we have to get this job done. उधर कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बना हुआ है। एक्सपर्ट कह रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट कहीं ज्यादा खतरनाक है,
तो नीति आयोग डेल्टा वेरिएंट के कोरोना वायरस से कनेक्शन पर ही सवाल उठा रहा है। दिस डेल्टा इज एक्चुअली B1617.2 दैट इज द आईडी ऑफ दिस डेल्टा वेरिएंट्स एंड देन वी हैव दिस डेल्टा प्लस व्हिच हैज वन एडिशनल म्यूटेंट व्हिच इज K417N दैट एक्चुअली मे कन्वर्ट द डेल्टा टू डेल्टा प्लस। सो देयर आर स्पेकुलेशंस दैट यू नो दिस एडिशनल म्यूटेशंस व्हिच मेक्स द डेल्टा प्लस it also makes it more contagious, so it actually can bind to this ACE2 entry receptor more tightly and it can also avoid the immune response. So in a way people has actually speculated that about 35 to about 60% it is actually more infectious. The present status is that yes, a new variant has been found. This is a variant of interest. This is not as yet classified as a variant of concern. A variant of concern is one in which we have understood that there are adverse consequences to humanity. Transmissibility badh jati hai, severity badh jati hai, etc. Wo abhi iske bare mein malum nahi. वैक्सीनेशन पर आंकड़ों की इस बाजीगरी और डेल्टा प्लस पर कंफ्यूजन को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोरोना से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।